कृषि उपज मंडी रावगढ़ की उपमंडी रुठियाई में व्यापारी एवं किसानों के बीच गेहूं को तुलवाने के चक्कर में आज हो गया विवाद। सुबह से ही किसान अपनी फसल को बेचने के लिए रुठियाई मंडी लाए थे, लेकिन व्यापारियों द्वारा क्रय नहीं किया गया, क्योंकि व्यापारियों का कहना था कि आज उनके बैंकों में पैसा नहीं दिया गया, जिसके चलते वे किसानों की फसल नहीं खरीद पा सकते। वहीं जिन व्यापारियों के पास पैसा था वे खरीदने को तैयार थे, पर किसानों का कहना था कि जब हम मंडी आ ही गए हैं तो अपनी फसल बेच कर ही जाएंगे। वहीं कुछ व्यापारियों ने बोलियां लगाना भी शुरू किया, लेकिन किसान उनसे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उसका मूल्य कम दिया जा रहा था। इससे किसानों और व्यापारियों में विवाद की स्थिति बन गई। कुछ समय के लिए फसल की नीलामी को भी रोकना पड़ा, जिसके बाद एसडीएम रावगढ़ को सूचना दी गई और उन्होंने मंडी में आकर किसानों एवं व्यापारियों को समझाइश दी, जिसके बाद पुनः मंडी का काम सुचारू रूप से शुरू हो सका। किसानों ने अपनी दुविधाएं भी एसडीएम के सामने बताई। किसानों ने बताया कि उनके पास पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, साथ ही धूप से बचने के लिए बैठने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आए दिन रुठियाई की मंडी में अतिक्रमण होता जा रहा है, जिसके चलते मंडी का क्षेत्रफल भी लगभग कम होता जा रहा है। रुठियाई से ग्राउंड रिपोर्टर सौरभ जैन की रिपोर्ट।